पार्किंग कहाँ है इसकी? छः साल की बच्ची का साइज नहीं है इसकी भी वही प्राइस है 900। ज़्यादा नहीं बता रहे आप हैं? ये वाले गजरे नकली गजरे अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सीनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोगों में? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों को बखेरते रहें। तो जी आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है शाम को 6-7 बजे से। आज मैं निकल गई थी बाहर, फिर से बाहर, और रोज़ रोज़ बाहर नहीं निकलती, हर काम से निकला जाता है बाहर। तो आज का प्लान था हमारा लिंक रोड जाने का, वो भी किसी मकसद से था। आप लोगों ने आज का यूनिफॉर्म लेना था और फिर सोचा कि वहाँ पर मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बट भाई कहाँ जा रहा है? क्या मुझे पता नहीं था, मैं वो धोखा मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और भी मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे लिंक रोड पे इसमें तो मैंने ये है कि बच्चों की चीजें ना, इसकी भी वही प्राइस है 900, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। 5-5, 5.5 तक के आते थे जो बच्चों जो साइजेस होते हैं, चाहे वो कपड़े में हो चाहे वो शूज में हो, बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। 3 से 4 महीने बाद बच्चों के साइजेस छोटे हो जाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना चेक किया जाए क्या प्राइस, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद मार्केट फिर रही हूँ, बड़े अरसे बाद। ये रहीम थोड़ा बड़ा हुआ है, 3 साल का होने वाला है, तो उसके बाद मैं मार्केट निकलना स्टार्ट हुई, नहीं तो मैं इनको ही कह देती थी इसके बाबा को ही कपड़े भी आप ही ले आएँ, या ऑर्डर कर देती थी, या जूते तो खैर वो ही ले आते थे। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि लिंक रोड पे जो है ना वो जो बच्चों की यूनिफॉर्म की शॉप है वो थोड़े नॉर्मल प्राइसेस में दे देते हैं, यहाँ वैलेंशिया वाली साइड पे अच्छे खासे प्राइसेस में मिल जाते हैं। फ्रॉक जो 1000-1200 का मिल जाता है, यहाँ पे मुझे मतलब नॉर्मल प्राइस में फ़्रॉक मिल गया था, कुछ 750 में मिल गया था इसका का फ्रॉक। और मैंने जर्सी लेनी थी, जर्सी मुझे यहाँ स्कूल वाली साइड पर मिल रही थी कोई 1350 की जर्सी, तो मुझे यहाँ पर मुझे 1000 रुपये में जर्सी मिल गई थी। मैं हैरान कि जर्सी स्कूल की इतनी ज़बरदस्त। और उसके अलावा फिर हमने विंडो शॉपिंग की, विंडो शॉपिंग के साथ साथ कुछ हमने ख़रीदा भी, अस्का के लिए चूड़ियाँ खरीदी। अस्का ने ये पहली दफ़ा चीज़ देखी, क्योंकि मैं अस्का को बाज़ार नहीं लेके जाती, इसके लिए बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ थी, बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस, बच्चों को दुनिया घुमानी चाहिए। अगर दुनिया नहीं घुमा सकते, कम अज़ कम लाहौर की गलियाँ, शहर बाज़ार और ये चीज़ें तो घुमा सकते हैं ना बच्चों को दुनिया। नकली गजरे अस्का बदल पहली दफ़ा इस तरह निकली बाहर, चूड़ियाँ देख रही, चूड़ियों की दुकान पर रुक रही थी और मेहंदी देख रही थी तो मेहंदी की दुकान पे रुक रही थी, बैंगल्स वगैरह और जो है बैंड्स वगैरह, हेयर बैंड्स वगैरह जहाँ जा जा रही थी रुक रही थी और मुझे बार बार रुक कर ये कह रही थी मामा ये, मामा वो, मामा ये। मैंने कहा जी बेटा, जी बेटा, आपके लिए सारा कुछ नहीं हुआ है। तो बस खैर हमें एक जगह पसंद नहीं आया था फ्रॉक, मतलब पसंद तो है की बात नहीं करी, क्वालिटी पसंद नहीं आई थी। एक जगह यूँ हुआ था कि हम लोगों को पसंद नहीं आया, वो नहीं हुआ था, इसका का साइज़ नहीं मिल रहा था, तो मतलब 30-32 हर जगह तकरीबन ख़त्म हुआ था। ये वो साइज़ होता है जो कि मतलब नर्सरी के बच्चों को तकरीबन एक ही साइज़ आता है, तो 30 या 32 या 28। तो उसके बाद मेरी ये नज़र पड़ी थी केसेस के शॉप, मोबाइल के शॉप के ऊपर, तो वहाँ पे मेरे पे मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे तो वैसे क्रीम कलर पसंद आया, मैंने लिया था, मैंने उसकी पिक्चर नहीं ली। अच्छा वैसे एक बात है कि लिंक रोड पे ना क्रॉकरी भी बड़ी सस्ती है, पठान जो है ना वो अच्छी लेके बैठे होते हैं और सस्ती लेके बैठे होते हैं। खैर क्रॉकरी का मेरा बजट नहीं था, मैंने क्रॉकरी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, मैंने इसका के लिए शूज़ भी नहीं लिए, दिल तो बड़ा कर रहा था। चलो नेक्स्ट मंथ ले, अभी तो मेरे सैलर चल रहे हैं, अभी इसके साथ के लिए ये वाला ले रही हूँ, दूसरी बेंच वगैरह ली थी और बैग वगैरह ले ली थी, एयर और फिर उसके बाद फिर हमारा जाना हुआ अमाना मॉल। और अमाना मॉल में बड़ा ज़बरदस्त धोखा हो गया, मैं बेचारी अस्का को ना 3-4 दिन से ना डिले कर रही थी, अच्छा बाउंस पे लेके जाऊंगी, बट मैं वहाँ 10 बजे गई तो मुझे नहीं पता था कि अमाना मॉल जो है ना वो 10 बजे बंद हो जाता है। तो खैर मुझे बेचारी में बड़ी डिसहार्ट हुई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से ही, तो फिर बड़ा अफसोस हुआ मुझे। तो खैर ये था हमारा आज का दिन,
सात बजे से लेके 12 बजे तक, 10 बजे तक का। तो बस फिर मुझे बड़ा अफसोस हो, मैंने कहा इसका चलो बाहर से देखे हम वापस को हो लेते हैं। तो फिर जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं थोड़े दूसरे मैं हूँ या कोई और भी नया यूट्यूबर हो तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने पहले भी यही मैसेज दिया था कि अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरें और खुश रहा करें। और घर जाते जाते मैं सब्जी ले गई थी, गोभी ले गई थी, अनार ले गई थी, अच्छे लगे थे। मैं अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।